सुप्रभात विद्यार्थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं विज्ञापन लेखन के बारे में आपने जाना। विज्ञापन लेखन एक जो है प्रस्तुतिकरण है, प्रेजेंटेशन है, इसको सही ढंग से आपको लिखना आना चाहिए। तो आज हम क्लास 7 और 8 हिंदी विषय में ये विज्ञापन लेखन का एक उदाहरण देखते हैं, जिसमें सुगंधित अगरबत्तियों की एक विक्रेता के लिए विज्ञापन लिखना है। विक्रेता अर्थात बेचने वाला जो है अपने अगरबत्तियों के प्रचार प्रसार के लिए, विज्ञापन के लिए वो एक विज्ञापन तैयार कराना चाहता है, आपको उसके लिए एक विज्ञापन तैयार करना है। तो प्रश्न है, सुगंधित अगरबत्तियों के विक्रेता के लिए एक विज्ञापन तैयार करें। विक्रेता अर्थात बेचने वाला, उसको कहते हैं विक्रेता, जिससे उसकी अगरबत्तियों की बिक्री जो है बढ़ जाए, ऐसा एक विज्ञापन, आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो इस अगरबत्तियों का विज्ञापन जब तैयार करेंगे तो कुछ कोई एक नाम या याद कर लेंगे, मैं ये अगरबत्ती है, सौरभ अगरबत्ती है, या खुशबू अगरबत्ती है, या साइकिल अगरबत्ती है, महक अगरबत्ती, जो भी आप नाम प्रोडक्ट नाम उसके, और फिर उसके गुणवत्ता को बताते हुए आपको चित्र के साथ एक प्रदर्शन करना या चित्र के साथ वो प्रदर्शित करें। मान लीजिए सुगंधित अगरबत्तियों के विक्रेता के लिए एक विज्ञापन तैयार करें, तो वहां वातावरण में लाए एक नई ताजगी और उमंग, वातावरण में लाए एक नई ताजगी और उमंग, भीनी भीनी खुशबू के संग, भीनी भीनी खुशबू के संग। अब पांच अलग अलग सुगंधों में उपलब्ध है आपकी अपनी सौरभ अगरबत्तियां। तो अगरबत्ती का क्या नाम है? सौरभ अगरबत्तियां। और यहां उसकी आपकी विशेषता आपने लिख दी, यहां अगरबत्ती के चिन्ह दर्शा दिए या उसके चित्र दर्शा दिए, और फिर पैकेट के रूप में आप पैकेट बना देते हैं कलर को, उस पर लिख सकते हैं सौरभ अगरबत्ती। फिर यहां दो पैकेट मात्र 80 रुपए में, दो पैकेट मात्र 80 रुपए में, आप छूट भी दे सकते हैं कि 5 पैकेट खरीदने पे आपको 5% की छूट मिलेगी, उसको भी आप बचा सकते हैं। ये अगरबत्ती मिलेगी कहां? सभी दुकानों में उपलब्ध। तो ये सौरभ अगरबत्ती सभी दुकानों में उपलब्ध है। तो इस प्रकार आप एक आकर्षक चित्रात्मक आपको विज्ञापन तैयार करना होता है जो 5 अंकों का होता है। तो यहाँ विद्यार्थी हमने विज्ञापन का एक प्रारूप, फिर उसको बॉक्स में आपको बनाकर लिखना होता है। बॉक्स आप किसी रूप में बनाकर लिख सकते हैं। तो ऐसे ही आपको परीक्षा में एक विज्ञापन पूछा जाएगा, ऐसे ही आप आकर्षक विज्ञापन तैयार करेंगे। धन्यवाद।